कौन ब्लॉक पर होती हूँ, जिससे उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और ये हिम्मत देने की उन्हें जरूरत भी है, बहुत जरूरत। और आप जैसी महिलाओं को मुझे देखकर ऐसा लगता है कि क्योंकि आप खुद ही एक नारी शक्ति का प्रतीक हैं, उनके तौर पर आप सामने आती हैं, तो हम जैसी और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र की परिवेश की महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा ये मिसाल है। मैम मुझे लगता है कुपोषण वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है महिलाओं की, तो हम बात करते हैं क्योंकि बाल विकास भी एक बड़ा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो कुपोषण के भी आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कुपोषित बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, इस पर किस दिशा में काम कर रही है सरकार? देखिए आपका जो पहले भी प्रश्न था वो दोनों जुड़े हैं। हमारी बहनें अपने कुपोषण का कारण वो अपनी बीमारी को नहीं बता पाती, वो इतनी शर्माती हैं, इतना डरती हैं कि अगर मैं किसी से कहूंगी तो क्या मुझे जवाब मिलेगा। वो बेचारी कई बार उन्हें कैंसर तक हो जाता है, छुपाती हैं ज्यादा, इतना छुपाती हैं अपनी बीमारी को। तो मैं अपनी विधानसभा में हर गांव में कैंप लगवाती हूँ, बहनों के डॉक्टर्स बुलाती हूँ, अपनी बात कहो, इन्हें बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। और कुपोषण को दूर करने का यही मैं समझती हूँ एक माध्यम हो सकता है कि हम बहनों को अधिक से अधिक सुने। हम अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की बहनों के माध्यम से उन कैंपों को लगवा रहे हैं जिससे उनकी बीमारी पता चले, उन्हें हम दवा दे सकें, उन्हें पौष्टिक भोजन दे सकें। हम तो अपने विभाग से दे ही रहे हैं, जो गर्भवती बहनें उसे भी भोजन दे रहे हैं और जो दूध पिलाती है जन्म के बाद बच्चे के बाद जो धात्री बहनें उसे भी हम पोषित भोजन दे रहे हैं जिससे हमारे बच्चे पोषित हों और वो स्वस्थ हों और आगे चल के अच्छा कार्य करें। तो हमारा विभाग तो कर रहा है, लेकिन मेरा निवेदन है जो भी समाज सेवा से जुड़े मेरे भाई बहन बैठे हैं यहाँ, हमें ग्रामीण की जो बहनें हैं उनके लिए काम करना होगा, उनकी आवाज को अपनी आवाज बनाना होगा, उनको बाहर तक ला के उनको क्या समस्याएं, उनकी क्या परेशानियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो सकती हैं, चाहे उनका जो टैलेंट हो वो कुछ करना चाहती हो वो भी हो सकता है, उसको आज हमें बाहर लाने की आवश्यकता है और मेरा विभाग लगातार इसके लिए कार्य कर रहा है। मैम जो बच्चे कुपोषित है उनके भी आंकड़े बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण मुझे नजर आते हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, मिड डे मील की हालांकि सुविधा है फिर भी कुपोषण नजर आता है बच्चों में, उसको लेकर किस दिशा? नहीं अब कुपोषण उतना नहीं है क्योंकि मैं देखती हूँ हम कुपोषित बच्चों को सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उन्हें हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, 15 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, उसके बाद उनको घर भेज के भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कम से कम 6 महीने तक उनको बराबर दवा मिल रही है कि नहीं, माँ उनकी भोजन उन्हें खिला रही है कि नहीं टाइम से,